लालगढ़ इस तरफ। लालगढ़ का रास्ता तो ये होना चाहिए, फिर अचानक से ये जंगल की तरफ कैसे? डोंट टेल मी वीरेन कि तुमने फिर से रॉन्ग टर्न ले लिया है। कहा था ना मैंने तुमसे कि पूछो उस ढाबे पे, लेकिन नहीं, डायरेक्शंस पूछना तो तुम्हारी शान के खिलाफ। सोहा बंद करो अपनी बैक सीट ड्राइविंग प्लीज यार, मैप के मुताबिक चल रहा हूँ। देखो हम एकदम ट्रैक पर हैं। ये मैप रखो बैग में। अब ये बाइक को क्या हो गया यार? उतरो एक सेकंड। तुम और तुम्हारी ये बाइक वीरेन। ओह गॉड, पानी भी खत्म हो गया। वीरेन मुझे प्यास लगी है। हेलो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये कालगढ़ के किले का रास्ता किधर से होगा? कालगढ़ का किला? जी जी, जी। साहब आप तो पूरा रास्ता भटक गए हो, कम से कम 30 किलोमीटर अंदर आ गए हो। ब्रिलियंट, बाइक खराब, रास्ता खराब और पानी भी खत्म हो गया। भाई साहब यहाँ आसपास कहीं पानी मिलेगा पीने का? और मैकेनिक बाइक ठीक करने के लिए? यहाँ से सबसे नजदीकी गांव बुंदेली है। बुंदेली 10 किलोमीटर दूर। 10 किलोमीटर दूर? लेकिन साहब यहाँ पे 2 मिनट दूरी पर मारो घर है, अगर आप चाहे तो वहीं आकर अपनी प्यास बुझाई ले। नहीं नहीं भाई साहब, बेवजह आपको तकलीफ होगी। अरे एक ग्लास पानी में काहे की तकलीफ, पर साहब कुएं का मीठा पानी है। अरे चलेगा चलेगा, कम ऑन नाउ स्टॉप, डोंट बी फसी, ओके? Let's go and have a drink. That's okay. चलिए भाई साहब। कुछ नहीं करेंगे, आइए। चमगादड़, कितनी ठंड है यहाँ पे। वो सूरज की रोशनी यहाँ तक कम पहुंचती है ना, इसीलिए। आइए आइए।
कोई नहीं माँ जी, बस दो यात्री है, रास्ता भटक गए बेचारे। सही रास्ता बता दे। हमारी बूढ़ी माँ जी है, बेचारी बिस्तर पकड़े बैठी है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कुएं का पानी लेके आता हूँ। आप बैठिए बैठिए। क्रीपी मैन, पानी पियो। और किसको? माखन, माखन बेटा, जरा इधर तो आ, इधर आ। ओह शिट, गिरी। चलो चल के देखते हैं। अम्मा जी, अम्मा जी, आप ठीक तो हैं? अम्मा जी, तुम तो फुल ऑलराउंडर हो ब्रदर। कितनी अच्छी धुन है। मेरी माँ गाया करती थी मेरे लिए। कोई ना, यहाँ कोई चार रंगों वाला किला है दो पहाड़ियों के बीच? नहीं तो ब्रदर, तुम क्या अपनी मदर को ढूंढ रहे हो? हाँ। अच्छा, कहाँ है? अगर पता होता तो क्या ढूंढना पड़ता? कभी तो अकल लगा वीर। तू सामने होती है ना तो अक्कल वक्कल सब भूल जाता हूँ मैं। चिपकना बंद कर वरना ये चिपकाऊंगी तेरे गाल पे। क्या पप्पी? बड़ी। चलो इसी बहाने छुआ तो सही। तू तो बहुत ढीठ है भी। थैंक यू जी। अरे ओ मिस्टर ढीठ, दो घंटे से गाड़ी चला रहे हो तो रेसपुर और कितनी दूर है यहाँ से? अरे ब्रदर, बस पहुंचे ही समझो, नए शॉर्टकट से कालगढ़ के बाईपास से। गाड़ी रोको। क्या हुआ ब्रदर? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे ब्रदर, सब ठीक है। By God, मैंने कुछ नहीं किया। सामने देख, गड्ढा है।
हाथ छोड़ मेरा। मारेगी तो नहीं ना? अगर नहीं छोड़ा तो मारूंगी। अजिंक्य वीर, ये क्या किया तूने? अरे मैंने कुछ नहीं किया, पीछे से किसी ने टेम्पो को धक्का मारा है। क्या बकवास कर रहा है, यहाँ पीछे कोई नहीं है। मुझे ना तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही। ब्रदर एक काम करोगे, जरा उतर के धक्का। सॉरी कोई ना, जरा उतर के धक्का। तू इधर आ, इधर बैठ। अच्छा सिखा रहा हूं ना मैं, सिखाऊंगा नहीं तो धक्का कैसे मारूंगा मैं। क्या हुआ साहब जी? ओ भाई साहब जरा जोर का धक्का धीरे से लगवा दो। भैया फंस गया है, कोई बड़ा सा पत्थर रखकर आ सकता है बाहर। जिंदगी तूफान हो गई है, कभी मुर्दे कभी डायन कभी। गाड़ी निकल गई। शुक्रिया। चलो जय राम जी के मालिक। जय राम जी के। और कितनी देर वीर? बस हो गया जी, एक बार ये वायर ठीक हो जाए और धत तेरे की। यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? नहीं साहब जी, पर सवेरे जाकर पास वाले बुंदेली गांव से ले आऊंगा। पर तब तक हम यहाँ? नाना बीबी जी, इस जंगल में रात अकेले गुजारना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से जंगली जानवर है। हाँ एक तो यही मेरे सामने बैठा है। साहब जी आप चाहो तो पास ही मारा घर है, वहां आकर रात गुजार लीजिए, सुबह में मैकेनिक लेके आ जाऊंगा। नहीं नहीं हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। तकलीफ का है कि साहब, ये तो हमारे लिए खुश की बात होगी। तो चले चलो। आइए सब्जी आइए। क्या है ना, सूरज की रोशनी यहाँ कम पड़ती है, इसीलिए यहाँ कुछ ज्यादा ही ठंड है। आइए
आइए। कौन है माखन बेटा? कोई नहीं अम्मा जी, बस कुछ यात्री है, रास्ता भटक गए हैं। तो सही रास्ता बता दे। बूढ़ी अम्मा है हमारी, बिचारी बिस्तर पकड़े बैठी है। आप लोग बैठिए, हम आपके लिए कुएं का मीठा पानी लेके आते हैं। वीर क्या ब्रदर, कभी तो मुझे इसके साथ खेलने दिया करो, आखिर ये चीज है क्या? वीर मुझे वापस दो, मुझे तो इस घर में डायन का प्रकोप दिखाई देता है। वीर ये मजाक करने की चीज नहीं है, वापस दो मुझे। वापस दो वो यंत्र। मैंने नहीं, इसने इसने बच्चे हो क्या तुम दोनों? मुझे माफ कर दो प्लीज। इट्स ओके, एक्चुअली इट्स नॉट ओके, पर कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर लूंगा। माखन माखन बेटा जरा इधर तो आ, इधर आ। लगता है वो बुढ़िया गिर गई।